नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। स्कूल गए हैं आप? मैं तो गई हूं। बचपन से लेके आज तक, जहां तक मुझे याद है, जब मैं स्कूल जाती थी तो जो स्कूल के नियम कायदे होते थे, वो नियम कायदे हम बड़ी ही सहनशीलता, बड़ी ही प्यार से, बड़ी ही कृतज्ञता की भावना से मान लिया करते थे। दो चोटी बनानी है, रिबन लगाना है, बेल्ट बांधना है, जूते मोजे आपकी जो ड्रेस के हैं वो पहनना है, या जो भी ड्रेस कोड स्कूल द्वारा निर्धारित होता था वो हम कर लेते थे। याद नहीं आता कि उन दिनों कभी कलावे को लेकर, तिलक को लेकर, किसी और चीज़ को लेकर के, कभी कोई मुस्लिम भी अगर हमारे साथ पढ़ते थे तो हिजाब को लेकर के, कोई क्रिश्चियन होते थे तो किसी और चीज़ को लेकर के, या कोई सिख है तो उसकी पगड़ी को लेकर के कभी कोई बवाल मचा हो, ऐसा याद नहीं आता। लेकिन अब माहौल अलग है, बात अलग है और सोच अलग है, और इसी सोच को लेकर के एक पैटर्न सा चल पड़ा है। अगर आप नोट करेंगे तो महसूस होगा, बात यहां किसी धर्म की नहीं है, बात है शिक्षा के मंदिर की, जहां पर इस तरह की चीजें होना वाकई में एक सोच का विषय होना चाहिए, बात का विषय होना चाहिए और समझदारी का विषय होना। उस विद्या के मंदिर में हमें संविधान भी पढ़ाया जाता है, हमें उस संविधान में लिखी चीजें, हमारे अधिकार, सब कुछ पढ़ाया जाता है, और उन अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भी पढ़ाया जाता है। ये बातें सारी आज इसलिए क्योंकि भीलवाड़ा शहर में एक निजी विद्यालय में सावन के महीने में छात्र के तिलक लगाकर स्कूल में आने पर, उसे सजा दिए जाने पर जोरदार हंगामा खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद और विद्यार्थी परिषद के लोगों ने विद्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और अंत में स्कूल के प्रिंसिपल के माफी मांगने पर मामला जाकर शांत हुआ। दरअसल हुआ यूं कि भीलवाड़ा के सेंट एंसलेम स्कूल का छात्र किशन माली सावन माह में भगवान शिव की पूजा करने के बाद अपने माथे पर तिलक लगाकर स्कूल चला गया। स्कूल प्रशासन ने तिलक लगाकर स्कूल आने पर उसकी पिटाई की और उसे दंडित भी किया। छात्र किशन के घर जाकर यह बात बताने पर उसके अभिभावकों और हिंदू संगठनों ने स्कूल पहुंचकर जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। छात्र किशन माली ने बताया कि मैं स्कूल में तिलक लगाकर गया था, मेरे साथ अन्य दोस्तों ने भी तिलक लगा रखा था, हमने पहली बार तिलक लगाया था क्योंकि इससे पहले हमारे स्कूल में तिलक लगा कर आना अलाउ नहीं था, डर के कारण कोई तिलक नहीं लगाता था। मैं 2-3 दिन से तिलक लगा कर आ रहा था तो कल मुझे सर ने पकड़कर कहा कि तिलक लगा कर क्यों आते हो। हमारे प्रिंसिपल फादर ने सबसे पूछा कि छात्रों के तिलक कौन लगवा रहा है, तो सबने मेरा नाम ले लिया। इस पर फादर ने मेरे 5-6 थप्पड़ जड़ दिए और लंच ब्रेक के बाद मुझे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा रखा और मेरे पापा को बुलाया गया। उन्होंने मेरे पापा से कहा कि आप हाथों हाथ इसकी टीसी ले जाइए। मेरे पापा ने कहा कि इतना बड़ा कोई अपराध नहीं किया है, केवल तिलक लगाकर आया है। मैंने भी कहा कि तिलक लगाकर कल भी आऊंगा, शुक्रवार सुबह भी जब स्कूल आया तो तिलक लगाकर आया। अब हंगामे के बाद फादर ने माफी मांग ली है। छात्र किशन के पिता दीपक माली ने कहा कि मेरा बेटा जो सेंट एंसलेम स्कूल में पढ़ता है, शुक्रवार स्कूल में तिलक लगा कर आ गया था तो प्रिंसिपल ने इसके साथ मारपीट कर दी और फिर मुझे फोन कर स्कूल बुलाया और आते ही कहा कि आप बच्चे की टीसी ले जाओ। मैंने कहा टीसी ऐसे कैसे ले जाऊं, आपने कोई कारण नहीं बताया है। तो कहा कि कारण तो तिलक है, तिलक हमारे स्कूल में अलाउड नहीं है, मेरा बच्चा नहीं मान रहा है, वह सावन के व्रत कर रहा है और वो तो कह रहा है कि बिना तिलक के मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाई छोड़ सकता हूं। आज मेरा बेटा फिर तिलक लगा कर आया तो स्कूल प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, टीसी काटने का मुझ पर बहुत दबाव बनाया। प्रिंसिपल ने सभी मीडिया और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। कोई भी हिंदू बच्चा तिलक लगाकर आए, स्कूल को कोई आपत्ति नहीं होगी। सेंट एंसलेम स्कूल के प्रिंसिपल फादर FRP सेंटा क्लॉस ने कहा कि ऐसी कुछ घटना नहीं है, यदि कुछ ऐसा हुआ है तो हम माफी मांगते हैं, अब कोई समस्या नहीं है, किसी की भावना को चोट लगी हो इसलिए मैंने माफी मांग ली है। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी शुभम शर्मा ने भी कहा कि हमने प्रिंसिपल के कृत्य पर उनसे माफी मंगवाई है और चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में इस तरह का कोई काम स्कूल में किया गया तो हम हमेशा के लिए स्कूल को बंद करवा देंगे। आप जानते हैं कि बच्चों को यूनिफॉर्म क्यों दी जाती है? आप चाहें तो रोज हर बच्चा हर तरीके के कपड़े पहनकर वहां आ सकता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट या यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? सब कुछ एक जैसा, कोई भेदभाव नहीं, कोई फर्क नहीं, उन कपड़ों में कोई प्रिंट नहीं, उन कपड़ों का कलर अलग नहीं, उन कपड़ों का कुछ भी अलग नहीं होता। हर बच्चा उस वेशभूषा में सिर्फ एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वो होता है उस विद्यालय को, उस विद्यालय का वो छात्र है। इस तरह की बातों से आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म शब्द का मतलब हम बदल दे रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट हम बदल दे रहे हैं? आज कोई तिलक लगा के आया है, कल कोई हिजाब पहन के आएगा, परसों कोई क्रॉस का गले में लॉकेट पहन के आएगा और परसों कुछ और। ये चीजें कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ खत्म होगी,
ये हमें पता नहीं है, लेकिन उन बच्चों को हम सर्वधर्म संभाव नहीं सिखा पाएंगे ऐसे। आप आज एक चीज को लेकर के विरोध कर रहे हैं, कल कोई दूसरा तबका उठेगा, परसों तीसरा तबका उठेगा, और विद्यालय में जो एक सबको साथ लेकर के, हर धर्म को साथ लेकर के एक, एक, एक शिक्षा का जो पूरा मकसद होता है, कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा। आप अपने हिसाब से यूनिफॉर्म का मतलब बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं।